बनाने वाले हैं ईस्ट इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी प्रॉन्स कंची करी। बहुत ही यमी और टेस्टी डिश है। हाय, दिस इज स्माइली फ्रॉम शोमी रेसिपीज और हम बनाने वाले हैं ये टेम्प्टिंग रेसिपी। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कटी हुई सब्जी ली है। हमने लिया है कद्दू, भिंडी, सींग, बैगन, प्याज, आम, टमाटर। अभी हमने पैन लिया है, पैन में हम डालते हैं सब कटी हुई सब्जी। हम आम और टमाटर को सब्जी पकने के बाद डालते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ी हल्दी और आधा ग्लास पानी। इसे अच्छी तरह से मिलाइए, इसे इस तरह ढककर पकाइए। मसाला पेस्ट के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक कटोरी किसा हुआ नारियल। यहाँ पे हमने लिया है अखा धनिया, अखा जीरा, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इमली। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। आइए हम चेक करते हैं, यहाँ पे सब्जी पक चुकी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे झींगा। झींगा को आप इस तरह से छिलके के साथ रख सकते हो या पूरी तरह से इस तरह साफ कर सकते हो। अब हम इसे इस सब्जी में डालेंगे और इसके साथ हम डालते हैं एक कटा हुआ आम और कटा हुआ टमाटर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर से 2 मिनट के लिए बंद करके इसे पकाइए। यहाँ पे हम डालते हैं पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था। पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाइए और अब हम डालते हैं सबसे मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, चावल का कंजी, जो हमने चावल को उबाल के उसका पानी अलग से निकाल के रखा हुआ था। अब हम उसे इसमें ऐड करते हैं। कितनी यमी लग रही है ये कड़ी। इसमें तेल नहीं है, इसमें सब्जी है, प्रॉन्स है। ये कंप्लीट एक ट्रेडिशनल डिश तो है ईस्ट इंडियन, इसके साथ ये हेल्थ कॉन्शियस डिश भी है। इसमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से मिलाइए और 15 मिनट के लिए धीमे गैस पे इसे पकाइए। सो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडियन प्रॉन्स कंची करी इज रेडी टू सर्व। ईस्ट इंडियन प्रॉन्स कंची करी इज रेडी टू सर्व। इसे गरम गरम चावल और अचार के साथ परोसिए और लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भूलना नहीं। इसी तरह इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए देखते रहना शो मी रेसिपीज। बाय, टेक केयर।